हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। चैनल को जो आप सपोर्ट कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, उसके लिए थैंक्स अ लॉट। बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं, जो लास्ट वीडियो मनोज भाई का जो मैंने अपलोड किया था। सो थैंक्स अ लॉट। मैंने जिन्होंने कमेंट किए थे उनको तो मैंने रिप्लाई कर दिया, लेकिन स्टिल अगर मैं किसी को मिस कर रहा हूँ तो थैंक यू अगेन। एंड मैं चाहूँगा कि आप अभी भी चैनल को सपोर्ट करते रहे। सो शुरू करते हैं स्टॉक्स फॉर नेक्स्ट वीक। जो स्टॉक्स मुझे अच्छे लग रहे हैं FNO के और के स्टॉक, बहुत सारे सेटअप है, मार्केट अच्छे मूड में आ चुका है। तो जो सेटअप मुझे जो अच्छे लग रहे हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, और अगर मैंने कोई मिस कर दिया हो तो आप भी मुझे कमेंट करके बताएं कि ये सेटअप अच्छा है। तो शुरू करते हैं FNO स्टॉक से। तो FNO स्टॉक में सबसे पहले है जुबिलेंट। जुबिलेंट फूड एक अच्छा सेटअप है। अगर आप देखें तो एक मुंह के बाद ये एक बेस के आसपास अब ये दो कैंडल्स, स्मॉल कैंडल्स क्रिएट हुई है। एंड इस वीक में अगर यहाँ पे इस रेंज में रहा तो एक अच्छा मूव आप जुबिलेंट फूड में देख सकेंगे। तो जुबिलेंट फूड आपकी वॉचलिस्ट में होना चाहिए। नेक्स्ट इज मारुति। अगर मारुति में देखे तो बिल्कुल वही एक इस बेस में से निकलने के बाद आप देखिए यहाँ पे एक छोटे जोन में कंसोलिडेट कर रहा है मारुति। तो मारुति भी आपकी रडार में होना चाहिए। नेक्स्ट इज टाटा मोटर। सबको पता है अभी तो कि भाई जो ऑटो स्टॉक्स है वो अच्छे स्ट्रॉन्ग मूव में है अभी तक। सो ये आप देखेंगे यहाँ से कि भाई टाटा मोटर ने एक यहाँ से ब्रेकआउट देने के बाद दो अच्छे दिन मूव दिया, बाद में थोड़ा कंसोलिडेट करके अभी फिर से एक मूव की प्रिपरेशन हो रही है टाटा मोटर में। नेक्स्ट इज गोदरेज सीपी, FMCG एंड ऑटो। अब ये बहुत ही बेहतरीन सेटअप है, मुझे वन ऑफ द बेस्ट सेटअप लगा इसमें से। यस देर इज वन रिजेक्शन कैंडल विथ वॉल्यूम, बट एक अच्छा स्ट्रॉन्ग स्टार्ट मिले तो गोदरेज कंज्यूमर में एक अच्छा मूव आपको देखने को मिलेगा। तो गोदरेज कंज्यूमर में आप ट्रेड कर पाएंगे और आप की वॉचलिस्ट में गोदरेज कंज्यूमर होना चाहिए। नेक्स्ट जो FNO के लिए है वो है EID पेरी। ये बहुत टाइम पहले इसने एक ब्रेक फेल दिया था, यहाँ पे इसका ब्रेकआउट फेल हुआ था, अब देखिए यहाँ पे। लेकिन अभी उसी क्लस्टर में, वही जोन में एक नीचे ब्रेकडाउन देने के बाद बहुत सारे दिनों से ये इसी जोन में चल रहा है। आप अगर यहाँ पे नॉर्मली अगर स्टॉक को नीचे पुश करना होता है सेलर्स को, तो वो इसको अभी तक नीचे पुश कर दिए होते। जिस तरीके से स्टॉक मेंटेन हो रहा है, अगर इसका वीकली चार्ट भी देखे तो भी आप देखिए एक काइंड ऑफ इनसाइड बार। यस अब परफेक्ट, लेकिन मैं इतने परफेक्ट इनसाइड बार पकड़ने की कोशिश भी नहीं करता, लेकिन आप देखिए कि भाई अगर इसको देखा जाए तो शायद ये ऑल टाइम हाई क्लोज है इसका। अगर आप इसकी क्लोजिंग देखें तो ये ऑल टाइम हाई पे क्लोज हुआ है। तो EID पेरी जरूर आपकी वॉचलिस्ट में होना चाहिए। अगर मैं अगर दो सिलेक्ट करूँ तो मेरे लिए टॉप टू हो गए, एक होगा EID पेरी और एक होगा गोदरेज कंज्यूमर। और रिमेम्बर ये हाईएस्ट एवर वीकली क्लोज होगा इसका। अगर आप देखें यहाँ पे इसका हाईएस्ट क्लोजिंग होगा ये वीकली क्लोज में। अगर हम बार चार्ट पे चले जाए, लाइन चार्ट पे चले जाए, तो आप इसको देखेंगे कि ये हाईएस्ट एवर क्लोजिंग दिया है EID पेरी ने। तो ये जरूर आपकी वॉचलिस्ट में होना चाहिए। अगर आप FNO ट्रेडिंग कर रहे हैं तो EID पेरी आपकी वॉचलिस्ट में होना चाहिए। अब शुरू करते हैं कैश स्टॉक्स। कैश स्टॉक्स में KEC इंटरनेशनल में अगर हम देखें तो एक स्ट्रॉन्ग मूव, ये देखिए यहाँ पे वॉल्यूम बार, हाईएस्ट वॉल्यूम बार है, एक अच्छा हाई वॉल्यूम बार है। इसके बाद 2 दिन मूव दिया और बाद में लो वॉल्यूम से ये साइडवेज हुआ है। तो इसमें क्या हुआ होगा, बिग बायर्स यहाँ पे एंटर हुए और यहाँ पे बस ये टाइम लगा रहा है कि भाई जो वीक प्लेयर हो गए, हो सकता है एक रिजेक्शन भी आ जाए, एक शेकआउट भी आ जाए, लेकिन ये आपकी रडार में होना चाहिए KEC इंटरनेशनल। एक और स्टॉक जो है वो है उज्जीवन फाइनेंशियल सर्विस। यहाँ पे भी आप देखेंगे तो एक स्ट्रॉन्ग बाइंग ऊपर ले गया और फिर ये साइडवेज चला गया है। तो इस तरीके से जब स्टॉक थोड़े दिन साइडवेज जाता है, 6 दिन, 8 दिन, 10 दिन, जितना अच्छा साइडवेज कंसोलिडेशन देता है लो वॉल्यूम से, वो सेटअप को बेटर बनाता है। तो उज्जीवन फाइनेंस भी आपकी रडार में होना चाहिए। नेक्स्ट इज
GHCL, तो GHCL का चार्ट देखे जो मैंने उज्जीवन के लिए बोला, इसका पहले वीकली चार्ट भी देख लेते हैं। वीकली में इनसाइड बार नहीं है, लेकिन आप डेली पे जाके देखेंगे अब तो अगेन एक मूव के बाद, एक अच्छे मूव के बाद ये साइडवेज चला गया थोड़े दिन के लिए। फ्लैगिश पैटर्न कर रहा है GHCL और लो वॉल्यूम है, यहाँ पे कोई रिजेक्शन इतना बड़े वॉल्यूम से रिजेक्शन नहीं है। नो डाउट, एक डाउट है मुझे कि ये जो अप मूव आया था तब यहाँ पे मुझे कोई हाईएस्ट वॉल्यूम कैंडल नहीं दिखी, तो ये लाइक 70-30 चांस रहेगा मेरे लिए कि भाई ये चांस लेने वाली बात होगी GHCL में, जस्ट बिकॉज यहाँ पे मुझे कोई हाई वॉल्यूम बार, मुझे चाहिए कोई बिग प्लेयर एंटर हुआ हो यहाँ पे, लेकिन ऐसी कोई साइंस नहीं है। तो इस तरीके से मैं इसलिए जैसे आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि आप भी जब चार्ट देखते होगे तो आपको आइडिया रहे। नेक्स्ट इज गुजरात फ्लोरो, इतने अच्छे सेटअप है इसीलिए मुझे जितने अच्छे लगे वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। फ्लोरो केम, सो अगेन इसने एक ब्रेकआउट देके, इसका पहला वीकली चार्ट देख लेते हैं। यस, ये ब्रेकआउट के बाद ये स्मॉल कैंडल्स बनाए यहाँ पे, हो सकता है थोड़े दिन यहाँ पे लगा दे तो बेटर रहेगा सेटअप में, लेकिन आप जिस जो जो बात मैं बोल रहा था, यहाँ पे वॉल्यूम से इसने ब्रेकआउट दिया है और अब फिर से ये साइडवेज हुआ है। आपको बस इसी तरीके से आप मैनुअल स्कैन करेंगे, आप आराम से ऐसे स्टॉक पकड़ पाएंगे, आपको कोई ऐसा स्कैनर नहीं चाहिए कि जो आपको डायरेक्ट, क्योंकि आप वहाँ पे आप बहुत सारे सेटअप मिस कर जाएंगे। एक चीज़ होगी यहाँ पे, मैं चाहूँगा कि ये जो वॉल्यूम है वो थोड़े बिलो एवरेज वॉल्यूम के होते तो बेटर होता, लेकिन फिर भी फ्लोरोकेम सेटअप आपके रडार में होना चाहिए। वन मोर इज लेमन ट्री होटल्स, ऑलरेडी बहुत सारी जगह पे आपने देख लिया होगा लेमन ट्रीज। मेन रीजन लो वॉल्यूम से बहुत ही बड़ा बेस, अगर इसका इसका वीकली देखे वेरी स्ट्रॉन्ग एंड लार्ज बेस स्टॉक 10 वीक की मूविंग एवरेज के ऊपर इनसाइड बार बना के बैठा है, तो लेमन ट्री फॉर श्योर आपकी वॉचलिस्ट में होना चाहिए, ये एक बहुत ही बेहतरीन सेटअप है, तो लेमन ट्री होना चाहिए आपकी लिस्ट में। नेक्स्ट इज अदानी पावर, अदानी पावर में भी वीकली इनसाइड बार है। अब देखिए स्मॉल कैंडल, और जैसा मैंने बताया कि स्ट्रॉन्ग बाइंग के बाद ये काफ़ी टाइम से साइडवेज गया है और यहाँ पे भी एक अच्छा बेस बनाया है अदानी पावर ने, तो अदानी पावर भी आपकी वॉच लिस्ट में होना चाहिए। एंड वन मोर दैट इज प्राज इंडस्ट्रीज, प्राज इंडस्ट्रीज देखे तो यहाँ पे भी बेस है, आप देखिए यहाँ पे इसने, अगर आपको समझना हो ये सीखना हो तो आप यहाँ से सीखिए कि एक मूव के बाद यहाँ पे देखिए स्ट्रॉन्ग बाइंग कैंडल्स और उसके बाद ये साइडवेज गया एंड देन देर इज अ ब्रेकआउट, 2 दिन का ब्रेकआउट मिला, 2 दिन में इसने मुंह दे दिया और बाद में फिर से ये साइडवेज चला गया। बस आपको यही चीज पैटर्न पकड़ने है और इसी तरीके से रिपीट करते जाना है, तभी आपको आराम से ट्रेड करना मिलेगा और आप श्योर हो गए अपने सेटअप के ऊपर, आपको भरोसा होगा। आप देखिए यहाँ पे दो टाइनी सेटअप और तो एक इनसाइड बार बना है, यहाँ पे वीकली इनसाइड बार है प्राज में भी, तो आपकी वॉचलिस्ट में प्राज इंडस्ट्रीज भी होने चाहिए। दैट्स इट, ये थे वो सेटअप, वैसे तो बहुत सारे सेटअप है लेकिन मैं जो मुझे अच्छे लगे वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे सेटअप ऑलरेडी मैंने कैश में बहुत सारे सेटअप शेयर कर दिए, तो मैं नहीं चाहता कि कन्फ्यूज़न हो जाए। एंड प्लीज़ अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें एंड ऐसे ही चैनल को सपोर्ट करते जाए। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग।